तो गाइस आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो सीटेट केवीएस एंड रिट्रिपल्सी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, देन इसे सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। तो हम बढ़ते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पहली पर। ठीक है, देखिए डेवलपमेंट पहले बच्चा देखिए ये है, चलना सीख के बेचारा खड़ा होना सीख गया। देखना कैसे मतलब डेवलपमेंट कैसे हो, ग्रोथ कैसे हो रही है बंदे की। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। ये डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, डेफिनेशन ऑन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को अलग अलग ये थे रिसर्चर, इन्होंने अलग अलग अपनी तरह से इन्होंने अलग अलग तरह से डिफाइन किया, लेकिन सबका जो हम कंक्लूजन निकालेंगे वो एक ही निकलेगा। फर्स्ट, डेवलपमेंट इज़ अ प्रोग्रेस टूवर्ड मेच्योरिटी। जब बच्चा एक बेबी बॉर्न होता है वो मेच्योरिटी की तरफ बढ़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। जैसे आप छोटे, मेच्योरिटी मतलब तुम एक नए नए स्किल्स को ग्रास्प करना, ठीक है, वो मेच्योरिटी कहलाती है। जब एक पर्टिकुलरली एक आदमी या एक छोटा बच्चा डेवलपमेंट कर रहा होगा तो वो मेच्योरिटी को गेन कर रहा होगा। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन इसमें लिखी है, डेवलपमेंट इंक्रीज इज इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी। जो कॉम्प्लेक्स होते हैं कॉम्प्लेक्सिटी वो उसे बढ़ाता है। ठीक है, मतलब एक तुम अगर तुम कुछ कर रहे हो तो मोस्ट पॉसिबल तुम्हें होगा कि वहाँ पे तुम्हें परेशानियाँ फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे, और कुछ हम ग्रोथ की और डेफिनेशन और डेवलपमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। जो ग्रोथ है यहाँ पर ये ऐसे दी गई है, द टर्म ग्रोथ डिनोट अ नेट इंक्रीज इन साइज और मास ऑफ ऑफ द टिश्यू। यहाँ पर टिश्यू को बेसिकली एक ह्यूमन या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्होंने बोला है। इट लार्जली एट्रीब्यूट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स एंड इंक्रीज इन द इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा कि जो इन्होंने ग्रोथ को डिफाइन किया, ग्रोथ को इन्होंने डिफाइन किया कि जब हम हमारी सेल मतलब बेसिकली हमारा जो बॉडी बॉडी है वो ग्रो कर रहा हो, बड़ा कर रहा हो। जैसे हम ग्रोथ को बेसिकली कहते हैं कि हमारा वेट बढ़ गया। ग्रोथ एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है कि हम नाप सकते हैं हमारी हाइट कितनी बढ़ी, हमारा वेट कितना बढ़ा, एंड हमारा कि एंड्योरेंस और हम कितना वेट उठा सकते हैं, उस बारे में अपनी ग्रोथ को डिफाइन कर सकते हैं। इन्होंने भी ये बात किया कि नेट इंक्रीज इन साइज की साइज में कितना हम बढ़े हैं, और मास ऑफ द टिश्यू, टिश्यू का मास कितना है, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का मास कितना है। ठीक है, यही इन्होंने यहाँ पर बात की है। तो बढ़ते अगली स्लाइड पे, यहाँ पे इन्होंने डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी है, इट इज़ कंसर्न विद ग्रोथ एज वेल एज दोज चेंजेस इन बिहेवियर विच रिजल्ट फ्रॉम एनवायरमेंटल सिचुएशन। इन जो डेवलपमेंट होता है वो ग्रोथ को और डेवलपमेंट को दोनों को एक साथ लेके चलता है। इन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट है इज कंसर्न विद ग्रोथ एज वेल एज दोज चेंज इन बिहेवियर विच रिजल्ट फ्रॉम एनवायरमेंटल सिचुएशन। बेसिकली एनवायरमेंटल सिचुएशन हम कहते हैं कि जब हम क्या इस स्किल्स को ग्रास्प कर रहे हो, इंट्रैक्ट कर रहे हो एक दूसरे के साथ, ठीक है, वहाँ पे हम नई नई चीज़ें सीख रहे हो, वो हमारा डेवलपमेंट हो गया। लेकिन जो ग्रोथ है, हमारे बॉडी में कितना वेट हुआ, हमने कितना कितना हाइट गेन किया, तो ये सब ग्रोथ है। और हम इन दोनों को मिला के हम डेवलपमेंट इन दोनों को कवर करते हैं। डेवलपमेंट खुद एक बड़ा बड़ी चीज़ है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर हम ग्रोथ को भी समाहित कर लेते हैं। थर्ड, हम इस पर बढ़ते हैं, द टर्म इट जो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का यहाँ पे है डिफरेंस, द टर्म इज़ यूज इन प्योरली फिजिकल सेंस। जो ग्रोथ होता है इसको हम बेसिकली फिजिकल सेंस या फिजिकल अपीयरेंस में यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कितनी बार कह चुके हैं कि ग्रोथ में एक आप वजन, वेट या हाइट इन सबको नाप सकते हो, लेकिन डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इम्प्लाइज ओवरऑल चेंज इन शेप। आपकी शेप में कैसे चेंज हुआ, आपकी मैच्योरिटी कैसे बढ़ी, मतलब कभी कभी मैच्योरिटी को एक फिजिकल एस्पेक्ट में ले लेते हैं कि तुम्हें मैच्योरिटी आ गई, मतलब कैसे तुम्हारे चेंज मतलब होता है ना कि अभी एक पूरा फिजिकली मैच्योर नहीं है। ठीक है, मतलब उसके जो उस एज में जो फंक्शनिंग होनी चाहिए वो फंक्शनिंग नहीं है, मतलब फिजिकली मैच्योर नहीं है। ठीक है, तो इसका सेकंड है, चेंज इन द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट कम फ्रॉम द डोमेन ऑफ ग्रोथ। जो क्वांटिटेटिव मतलब जिनको हम नाप सकते हैं कितना क्वांटिटी हुआ है। ठीक है, अगर आप मानिए कि आपका वेट एक साल पहले 50 kg था, अब 60 kg हो गया, तो आपने मेजर कर लिया ना उसको, वो आपकी ग्रोथ है। बट इन डेवलपमेंट चेंज इज क्वालिटेटिव
और कैरेक्टर रदर देन द क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट कम फ्रॉम द डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, जो हमारा डेवलपमेंट है, हमने कहा कि डेवलपमेंट ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को समाहित करता है। तो इसमें आप देखिएगा कि इस डेवलपमेंट वाले ने बोला है कि डेवलपमेंट हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों को ही एक साथ मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अब आ गया ग्रोथ। ग्रोथ ग्रोथ जो हम पढ़ते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल प्रोसेस, एक डेवलपमेंटल प्रोसेस का एक पार्ट है। डेवलपमेंट इज इन इट्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, जो डेवलपमेंट तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट इज टर्म एज ग्रोथ। मैं इसको आपको समझा देता हूँ कि एक तो ये सपोज ये ग्रोथ है एंड ये डेवलपमेंट है, ये आपका ग्रोथ है और ये डेवलपमेंट है, कि जो आपकी ग्रोथ है ना वो डेवलपमेंट में आएगी। इन्होंने बोला है कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को समाहित करेगा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट दोनों को अपने साथ लेकर चलेगा। ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट है, ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू लाइफ, जो थ्रू आउट लाइफ आपका ग्रोथ कंटिन्यू नहीं रहेगा। इट स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी हैज़ बीन अटेंड, जब आपकी फिजिकल मैच्योरिटी आपको अटेंड कर लोगे, या आप सपोज आप अभी बच्चे हो, यहाँ पे आप बच्चे हो तो आप कुछ 10-15 साल में ऐसे होंगे, कुछ 20-25 साल में आप ऐसे होंगे, तो आपकी यहाँ पे मैच्योरिटी आप अटेन कर लोगे पूरी, तो इसके बाद आपका वेट और जो ये सब कुछ आपकी बॉडी चेंज ये सब बंद हो जाएंगे उन्हें, तो ग्रोथ का जो सिलसिला है ये यहाँ तक जाके ख़त्म हो जाएगा। बट तुम्हारा जो डेवलपमेंट है वो थ्रू आउट द लाइफ चलता रहेगा, तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। ठीक है, अगर कुछ सीखना, कुछ आपको गेन करना, वही तो हमारे डेवलपमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो आपका जो डेवलपमेंट है थ्रू आउट द लाइफ चलेगा, बट जो ग्रोथ है वो एक स्टेज पे जाके आपकी स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ठीक है, फर्स्ट है ग्रोथ इन्वॉल्व बॉडी चेंज, इन्होंने कहा कि जो ग्रोथ है आपको बॉडी चेंज में वो आप डील करता है कि आपकी बॉडी कैसे, मतलब कैसे साइज आपका इंक्रीज हो रहा है, कैसे आपकी हाइट गेन हो रही है, कैसे आप वेट गेन कर रहे हो। बट डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंज ऑफ एन ऑर्डरली कोरिएंट टाइप टेंडिंग टुवर्ड द गोल ऑफ मैच्योरिटी। बेसिकली जो डेवलपमेंट होता है वो मैच्योरिटी की तरफ ज़्यादा फोकस करता है, कि तुमने अपने स्किल में कितना परफेक्शन किया है या तुमने कितना सीखा है, वो सब डेवलपमेंट मेजर करता है। सेकंड है द चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोथ आर द सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट, जो हम जो ग्रोथ में हमारे चेंजेस होते हैं आर द सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट। इसका मतलब है कि वो क्वांटिटेटिव है, समझ गए ना, क्वांटिटेटिव, हम उसको क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं। दे में भी क्वांटिफाइड, समझ गए ना, हम उनको क्वांटिफाइड कर सकते हैं, मतलब अगर आपकी वेट है आपका 10 kg है तो हमने उसको मेजर कर लिया 10 kg। अगर आपका समझ लीजिए आपने कुछ स्किल सीखा, ये हम ये थोड़ी कहेंगे कि तुमने 10 ग्राम स्किल सीख लिया, 4 मीटर स्किल सीख लिया, ये थोड़ी बोलेंगे ना, वो क्वालिटेटिव है कि तुम्हारा उस स्किल में कितना परफेक्शन है, समझ गए ना, तुमने उसमें कितना सीखा है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पे, ग्रोथ। ग्रोथ इज सेलुलर, इट टेक प्लेस ड्यू टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स। सेल्स बेसिकली जब हमारी बॉडी बढ़ रही हो, समझिए आपका ये सेल था, कुछ दिनों बाद आप मतलब ऐसे ऐसे बढ़ रहे हो ना, समझ गए, मतलब आपकी जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स के बारे में ग्रोथ डील करता है। ग्रोथ मे और मे नॉट बी ब्रिंग डेवलपमेंट, जो ग्रोथ होता है वो डेवलपमेंट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, समझ गए ना। जैसे हमने बोला कि ग्रोथ और जब डेवलपमेंट एक बड़ा हिस्सा है और ग्रोथ एक छोटा हिस्सा है, तो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कुछ बच्चे का डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाता, वो उनकी हाइट ही कमी रह जाती है, तो मतलब नहीं उनकी ग्रोथ, समझ गए, तो ग्रोथ नहीं हो तो डेवलपमेंट भी नहीं उनको अफेक्ट होगा उससे, समझ रहे हो। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, डेवलपमेंट डिपेंड ऑन द मेजरमेंट एंड माइलस्टोन ऑफ नर्वस सिस्टम, कि तुम्हारा कोग्निटिव कोग्निशन डील करता है यहाँ पे। डेवलपमेंट डिपेंड ऑन द मैच्योरेशन, कितना तुम परिपक्व हो गए हो, मतलब अगर आपने स्किल सीखा है
कितना तुम उसमें परफेक्ट हो गए। मेच्योरिटी कहते हैं ना कि जैसे बच्चा एक आप कहते हो कि अगर कोई शिकायत करना है किसी की तो आप उसे बोलते हो कि यार मेच्योर नहीं, मतलब उस लेवल की बात नहीं कर रहा जिस एज का ये है, समझ गया ना, मतलब वो अभी मेंटली मेच्योर नहीं है। तो सेकंड चलते हैं इस पे, द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट इज द सेम फॉर चिल्ड्रन बट द रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम चिल्ड्रन टू चिल्ड्रन। सीक्वेंस डेवलपमेंट का जो होता है वो सेम होता है, समझ गए। पहले आप इन्फेंसी स्टेज में होते हो, ठीक है, आप इन्फेंसी में होते हो, फिर चाइल्डहुड में होते हो, चाइल्डहुड में भी लेटर चाइल्डहुड एंड अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड, ठीक है, फिर एडोलेसेंट्स आती है, टीनेज आती है, ठीक है, मतलब एक सीक्वेंस से चल रहा है, ये सीक्वेंस से चल रहा है, हर किसी में यही सीक्वेंस चलेगा, समझ गया ना। सबसे पहले वो चाइल्ड होगा, मतलब इन्फेंट होगा, फिर चाइल्ड होगा, फिर वो अपने एडोलसेंट या अडल्ट में जाएगा या टीनेजर होगा, ठीक है, सीक्वेंस यही रहेगा। ये नहीं कि सबसे पहले कोई आगे टीनेजर बन जाएगा या आगे, ये सीक्वेंस नहीं है। लेकिन जो रेट होगी वो हर किसी की अलग हो सकती है, कि यहाँ पे किसी जो बेबी है वो जल्दी चीज़ों को अटेंड कर लेते हैं, समझ लो, या फिर यहाँ पे आके वो हर किसी के इंटेलेक्चुअल पे डिपेंड करेगा कि उसका बुद्धि या जो उसका सीखने का तरीका है वो कैसा है, उसकी रेट अलग हो सकती है सीखने की, डेवलपमेंट की, बट सीक्वेंस सेम रहेगा, चाइल्डहुड, उसके बाद जो इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अडल्टहुड, एडोलसेंस, ये रहेगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ये हम देख लेते हैं। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस फ्रॉम द कॉन्सेप्शन टू मैच्योरिटी। जब हमारे इन्होंने बोला कि डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, तुम थ्रू आउट द लाइफ कुछ ना कुछ सीखते रहते हो ना, आपने सपोज कम सीखा लेकिन सीखा ना, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो हर चीज़, हर जगह, हर मोमेंट पर आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, ठीक है। आप इन्होंने बोला कि कंटिन्यूस प्रोसेस है डेवलपमेंट। सेकंड में क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट फॉलो द डायरेक्शन एंड यूनिफॉर्म पैटर्न। अभी हमने सीक्वेंस की बात की है, ठीक है, ये जो नेटल पीरियड इनका जो गर्भावस्था से आ रही है, एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कि सबसे पहले मतलब जो बूम में कोई हो जाएगा, नहीं, लेकिन ये सीक्वेंस ये वाला फॉलो करेंगे, समझ गए ना, ठीक है, एक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करते हैं। इसमें नेक्स्ट में दिया गया है जो मैं बताया, तो इसमें डेवलपमेंट गोल्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अभी देखिए बच्चा है, यहाँ पे कुछ बीड रखे हुए हैं, लेकिन वो पूरा एक बीड्स को उठाने के लिए अपनी पूरी मुट्ठी का प्रयोग करेगा उठाने के लिए, बट अभी ये कुछ इसने मैच्योरिटी हासिल कर ली है, मैच्योर हो गया, अब ये मतलब एक सीक्वेंस से प्ले करेगा चीज़ों को। नेक्स्ट में बढ़ते हैं प्रिंसिपल्स, जो इसके प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ सिस्टम्स, ठीक है। सेकेंड है, मोस्ट ट्रेड्स ऑफ डेवलपमेंट आर कोरिलेटेड। जो ट्रेड्स होते हैं डेवलपमेंट के, एक दूसरे से कोरिलेटेड होती है। अगर आपका मेंटल जो को मेंटल आपका जो डेवलपमेंट है काफ़ी अच्छा है, तो आपका जो फिजिकल है या एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे आप, ठीक है, आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अगर आपका ये जो होता है ना नर्वस सिस्टम प्रॉपरली काम करे। डेवलपमेंट इज क्यूमुलेटिव। फोर्थ, डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। जब आप मैच्योरिटी हासिल कर लो तो आप कुछ ना कुछ उनका दोनों का एक रिजल्ट है, इंटरेक्शन है, एक दूसरे का इंटरडिपेंड है एक दूसरे पे। डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डेवलपमेंट होता है किसी का, अगर ये मान लेते हैं इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, अगर हम इसको डेवलपमेंट कहते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट इनटू हेरिडिटी, ठीक है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों ही एक दूसरे के मल्टीप्लीकेशन में रोल प्ले करते हैं। फोर्थ है, फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, फर्स्ट है फीटल ग्रोथ, सेकंड है जेनेटिक पोटेंशियल, फोर्थ सेक्स, थर्ड है सेक्स, फोर्थ है फेटल हॉर्मोन्स, फिफ्थ है फेटल ग्रोथ फैक्टर, एंड नेक्स्ट है प्लेसमेंट फैक्टर एंड मैटरनल फैक्टर। बेसिकली ये सब ना हेरिडिटी से रिलेटेड हमारे, कि हमारे जो ट्रेड्स है या हमारे मतलब समझ कि एक जेनेटिक्स फैक्टर कैसा है, कि हमारे जो जेनेटिक्स में आता है कि हमारी बेसिकली जेनेटिक्स में हमारी क्या कहते हैं उसको हेरिडिटी उसमें हमारी इन्वॉल्व होती है बहुत ज़्यादा, तो ये डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड पे हम बढ़ते हैं, पोस्ट नेटल पीरियड, सेक्स, अर्ज, जेनेटिक फैक्टर, हॉर्मोनल इन्फ्लुएंस, न्यूट्रिशन, ठीक है। द पोस्ट नेटल पीरियड जब बच्चा जन्म लेता है उससे पहले, उसके पोस्ट नेटल गर्भावस्था के बाद, ठीक है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन, इन्फ्लेक्शन, केमिकल एजेंट्स एंड ट्रूमेट्स, जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद उसको जो डेवलपमेंट है क्या कि उसको क्या क्या अफेक्ट करते हैं, ठीक है, पोस्ट मतलब बाद में, ठीक है। सोशल फैक्टर क्या क्या आ जाते हैं हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करने के लिए, ये आ जाते हैं इसमें, सोशो इकोनॉमिक लेवल, कि बच्चे की फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, पॉवर्टी, अगर पॉवर्टी होगी तो बेसिक सी बात है न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल पाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, और यह इमोशनल फैक्टर। नेक्स्ट है कल्चरल फैक्टर एंड पेरेंटल एजुकेशन भी कहीं ना कहीं उसमें रोल प्ले करती है, अगर आप पेरेंट्स ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है वो उतना मतलब उतना गहराई से बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, जैसे उनकी चीज़ों को समझना या उनके साथ टाइम स्पेंड करना वो ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, ये कहीं ना कहीं इनको अफेक्ट करता है। थर्ड है लॉ ऑफ ग्रोथ, लॉज ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन इज कंटिन्यूस एंड ऑर्डरली प्रोसेस, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम ग्रोथ को हम बेसिकली डिसकंटिन्यूस भी कह सकते हैं कभी कभी, लेकिन डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि कभी कभी ग्रोथ रुक जाती है, समझ, ग्रोथ से मतलब हमारा बॉडीली चेंज है ना, इस एज में आप यहाँ आएँ यहाँ तक आप ग्रो करते रहे लेकिन कहीं ना कहीं प्लेटू आ गए कि तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो रही किसी कारण बस, फिर आपको यू नो हर साल बोर्नवीटा पिला के फिर आपको बड़ा कर दिए, वो कहीं ना कहीं रुक सकती है, वो किसी कारण से हो सकती है, लेकिन डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगला है ग्रोथ पैटर्न इज एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, जो ग्रोथ का पैटर्न है हर किसी का अलग हो सकता है, पैटर्न अलग हो सकता है लेकिन सिक्वेंस सेम रहेगा, समझ रहे हो ना, हर किसी का रेट अलग होगा, पैटर्न का मतलब रेट अलग हो सकता है लेकिन सिक्वेंस सेम रहेगा। नेक्स्ट है डिफरेंट पैटर्न्स इन द बॉडी ग्रो एट डिफरेंट रेट्स, हर जो पैटर्न है हर किसी का एक एज डिवाइड है, वो हर किसी का पैटर्न हर किसी अलग अलग रेट से जाएगा, कोई ज़्यादा मतलब फैटी हो जाते ना, समझ रहे हो, वो उस एज तक आते आते इतने मोटे हो जाते हैं, लेकिन कभी कोई कोई बच्चा उसको अचीव ही नहीं कर पाते, मतलब अचीव क्या वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन इतना मोटा नहीं हो पाता, इसका मतलब है कि अलग अलग पैटर्न से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल एज पीरियड्स, अब हम इसकी बात करते हैं, जो हमारे वो है ना इन्फेंसी, देखो इन्फेंसी होगी जब बच्चा छोटा है, न्यूनेट्स बर्थ टू वन मंथ, इन्फेंसी वन मंथ टू वन ईयर, जो ये हमारा इन्फेंसी का पीरियड है ये वाला, ठीक है। अब बच्चा इसमें ये देखो एक इसी सिक्वेंस से चलेगा, ये तो यानी कि सबसे पहले इन्फेंसी आ जाएगा फिर न्यूनेट जाएगा, ये नहीं है ना, सबसे पहले न्यूनेट होगा वो, उसके बाद इन्फेंट बनेगा, ठीक है, हो गया ना, तो ये सिक्वेंसली चलेगा ऐसे। तो अब उसमें इसका क्या क्या ग्रोथ हो, इसके भी मतलब जो इन्फेंट है उससे भी ज़्यादा इसकी ग्रोथ हो सकती है, वो डिपेंड नहीं करता, वो अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन ये सिक्वेंसली जाएगा इसका। अर्ली चाइल्डहुड में टोडलर आ जाते हैं, टोडलर 1 to 3 ईयर्स के होते हैं ये टोडलर, एंड प्री स्कूल एज 3 to 6 ईयर, ठीक है। अब मिडल चाइल्डहुड देख लेते हैं, मिडल चाइल्डहुड में आता है स्कूल एज होते हैं, मतलब बच्चा स्कूल एज जाना शुरू कर देता है, स्कूल एज कहते हैं हम इसको, और 6 to 12 ईयर ये आता है। नेक्स्ट है लेटर चाइल्डहुड एडोलेसेंट्स एंड 3 to approximately 18 ईयर्स, समझ रहे ये है। तो आज के लिए इतना ही था, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिली हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।